एवरीवन, दिस इज़ डे 6 फ्रॉम जयपुर और अभी मैं निकल रहा हूँ जोधपुर के लिए, जो कि यहाँ से 341 किलोमीटर है। पर यहाँ पे हाईवे नहीं है, कितना तक हाईवे है हमको पता भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा लग जाता है। एंड राइट नाउ इट्स 8:14, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलिए आगे मिलते हैं रास्ते पे। Look at the size. मतलब ये ट्रक तो दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पर बाप खड़ ले जा रहे हैं तो सब बोले तो। और ऐसा राजस्थान में आपको हर वक्त दिखता ही रहेगा रास्ते में ये सब। मतलब राजस्थान में ऐसा कोई रूल है शायद, ये गाड़ी ओवरलोड से भी ज़्यादा करके लेके जाना होगा। राजस्थान में तो यार ऐसे फोर्ट दिखते ही रहते हैं रास्ते में। लाइक मैं आने से पहले सोचता था कि यार वहाँ जाके ये फोर्ट वगैरह देखूँगा, और अभी तो देख रहा हूँ कि 200 किलोमीटर चला तो उसमें 5-10 तो आ ही जा रहा है। टू बी फ्रैंक, मैंने अभी तक ऐसा कोई लैंडस्केप देखा नहीं कभी। वो आपको दूर में पहाड़ देख रहा होगा, मैंने अभी तक मतलब नॉर्मल पहाड़ तो देखा है, बट ये तो पूरा रेत ही रेत है यार। दिस इज़ अमेजिंग, आई मीन दिस landscape is totally new to me. Wow, and this landscape is amazing. But हाँ, bike चलाने में obviously problem हो रहा है, road पे जा रहा है यार, कहाँ से मिलेगा road? अरे बाप, दूर दूर तक बस रेगिस्तान। I can see a lake in that side, but I don't know if I can go to that. चलो लेट्स ट्राई। अरे यार आई डोंट नो इज दिस अ लेक और आई एम सीइंग अ मिराज। बेसिकली आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। आई डोंट नो मैं यहाँ पे क्यों आया, बट हमको एक सामने लेक दिखाई दे रहा है एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ मिराज। ये अगर मिराज निकला भाई साहब तो मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं रोड से ऑलरेडी 20 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ एंड यस इट्स नॉट अ मिराज। दिस लेक लुक्स ब्यूटीफुल। वाओ ब्रो, आई होप आई कैन सी अ नील गाय। या इट्स अ नील गाय ब्रो। दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे 3 नील गाय है और अभी हमको यहाँ से निकलना है क्योंकि वो लोग बार बार हमको देख रहे हैं। ओह नो, आई शुड गो। मैं सोच रहा हूँ कि वो नील गाय जो है उन लोग के थोड़ा पास जाऊँ कि नहीं। चलो थोड़ा देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। भागने में तो मेरा हालत पतली हो जाएगी। भाई साहब नीलगाय, तो शायद आप लोगों को नीलगाय दिख गया होगा। मैं और सामने नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वन थिंग वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दीज आर वाइल्ड एनिमल्स और वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम। एक डिस्टेंस से देखना ठीक रहेगा। तो अभी निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन तरफ एंड इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस सीइंग दीज क्रीचर्स इन देयर हैबिटेट एंड दिस वॉज अमेजिंग ब्रो। राजस्थान इज अमेजिंग, यू शुड कम टू राजस्थान। अरे यार कहाँ घुस गए रे, रास्ता किधर है? Where is the road? Okay, तो मुझे रोड मिल गया है यार, बहुत डर गया था मैं, कहाँ चला गया था वो नीलगाय देखते देखते पीछे 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 पीछे। तो लाइक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ मैन वाओ, जस्ट लुक एट इट ब्रो,
देयर इज सो मच ऑफ गार्ड वॉल्स, गार्डगेनी, क्या बात है यार, यहाँ पे तो माइग्रेशन का बहुत सही हाल है। सो फाइनली अभी हमको हाईवे मिला है, इतना देर से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स हमको लोकल रोड में राइड करना पड़ा, तो अभी जाके हाईवे मिला है, तो अभी जाके थोड़ा टान सकता हूँ। ये क्या सत्तू का शरबत मिल रहा है, पियेंगे ब्रो, ये एक बार पी लिया तो ब्रो पूरा सॉर्टेड, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। चाचा क्या मिलेगा, क्या है ये? नींबू का जलजीरा है, छोटा है। ओ मतलब छत्तू का नहीं है, सत्तू का जो होता है। अच्छा अच्छा, तब छोड़ दीजिए, कहाँ चलेंगे? हाँ सर इधर ही जाएंगे स्कूल में। चलिए चलिए, आप कैसे डॉक्टर से बैठ जाऊँगा, वो है ना, आइए बैठिए। चल मैं बैठ गया, रुकिए स्टैंड खोल देते हैं, थोड़ा कष्ट करके बैठना होगा। थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठाया वो ही मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सर। चलिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आइए आइए बैठिए। बैठ पाएंगे? क्या काम है आपका? खेत है मेरा वहाँ, ये नहीं है इधर। अच्छा, फिर खेत में जाऊंगा, वहाँ वो बकरियां चराने के लिए आए हैं ना गुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको संभालूंगा और फिर वहाँ से सीधा ही रास्ता गांव में जाए, मेरा गांव आगे ये सांचोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बंगाल से आया हूँ। बंगाल से आया हो? अच्छा, बंगाल से अभी जोधपुर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ एक धंधा है? गूगल मैप ने तो यार बहुत घुमा दिया, पर एक बात तो है कि ये जो राजस्थानी एकदम इंटीरियर गांव से लेके जा रहा है, आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी तक मैंने दो लोगों को लिफ्ट दे दिया, एक था पुलिस का आदमी और एक गांव का चाचा था जो कि अपने खेत में आ रहे थे, तो वो उन्होंने ऐसे हाथ दिया तो मैंने रुक गया, तो हमको बोला बेटा थोड़ा हमको छोड़ दो, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी एक्सपीरियंस आ गया। और टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट अ फैन ऑफ शाहरुख खान, बट राइट नाउ मुझे वो स्वदेश वाला पूरा फीलिंग आ रहा है। जैसे कि देखो वो सामने भी एक आदमी जा रहा है, लोग का पगड़ी जो होता है वो इतना कलरफुल होता है, मतलब क्या बताए। सो राइट नाउ आई हैव टेकन माय फर्स्ट स्टॉप, तो कुछ खाना खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर से निकलेंगे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा खाने में, खाने में क्या मिलेगा? केक है। ये क्या है? ये केक, मिल्क केक। मिल्क केक गुलपाक का सिरा है। और ये कचौड़ी है क्या? हाँ। कौन सा? ये प्याज वाली है, दाल वाली। और ये मिर्ची पड़े तो उसको दो आएगी, 10 का 2। दो कौन सा? ये समोसा है, ये तो समोसा। अच्छा एक समोसा दे दो, एक मिर्ची बड़ा दे दो, एक दाल कचौड़ी दे दो, दाल नहीं प्याज कचौड़ी दे दो, और ये मिल्क केक दे दो, थोड़ा सा खाएंगे अंदर दे दो। तो अभी और 25 किलोमीटर बाकी है, तो अब चाहिए हमको थोड़ा रेस्ट, कुछ खाएंगे, एक चाय पियेंगे और फिर से निकलेंगे। चलो मिलते हैं आगे रोड पे। सो वेलकम टू जोधपुर सिटी,
वैसे जोधपुर तो जो मैंने देखा वो पूरा इंडियन आर्मी के अंडर है। यहाँ से मेरा होटल 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है, अप्रॉक्स 10 मिनट्स। तो आई होप दिस इज़ जोधपुर मार्केट, और यहाँ पे कई सारे दुकान हैं। एक्चुअली आई एम लविंग दिस प्लेस। जयपुर जैसे कि ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, और वो एक मेट्रो सिटी था, तो लाइक जैसे कि कलकत्ता हो गया वैसे ही लग रहा था मोर और लेस। सबको अमनपुर तरफ बहुत ही अच्छा था, बट आई लव दिस सिटी। ये थोड़ा शांत भी है, बस यहीं पे थोड़ा जाम वगैरह है, बट बाकी का सिटी बहुत शांत है। तो मैं पहुंच गया जोस्टल, एंड दिस लोकेशन इज़ प्रीटी गुड, एंड द होटल ऑल्सो लुक्स वेरी कूल। दिस इज़ द होटल, और इसके पीछे ही पूरा जोधपुर फोर्ट का व्यू है। तो चलिए ऊपर जाके बात करते हैं। दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ जोस्टल। सो इफ़ यू आर गोइंग एनी वेयर अराउंड इंडिया, जस्ट चेक फॉर दीज थ्री, जोस्टल, मुस्टाचे एंड दी हॉस्टलर। यहाँ पे जाके अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे जाके आपको बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे तीन राइडर्स हैं जो कि हिमाचल से हैं, तो वो लोग अभी थोड़ा बाहर गए हुए तो। और हाँ, यहाँ पे जो रूफ टॉप है वो रूफ टॉप से तो व्यू बहुत सही है। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, आई वुड सजेस्ट कि आप बैकपैकर्स हॉस्टल पे रुको। एकोमोडेशन तो आपको दिख ही रहा है, इट्स टू क्लीन एंड टाइडी। और यहाँ पे जैसे कि बेड 500 रुपीज़ पर हेड, और आपको दोस्त भी मिल जाएंगे, ऊपर रूफ टॉप में बियर भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कूल एंड दिस इज़ अमेजिंग। और बाहर का डेकोरेशन मैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद दिखाता हूँ, बाहर का डेकोरेशन बहुत सही है। सो दिस इज़ हॉस्टल जयपुर। So this is the restaurant. आपने ना उधर दिया था कि मेरे को नहीं।